दोस्तों वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। देखिए हम लोग खेत पे घूमने आए थे और मैं हरदोई ज़िले में हूँ इस समय। और देखिए यहाँ पे गेहूँ पक चुके हैं बिल्कुल। देखिए ये मेरा ताऊ जी का लड़का है, दौआ का लड़का है और हम लोग इधर खेत पे घूमने आए थे। और इधर बोला जाए भोले बाबा इधर हैं और बाघ भी है। चलो उधर दिखाते हैं आप सभी को। मैं घूमने आया था, मैंने सोचा ब्लॉग बना लूँ तब तक आप लोगों को कुछ दिखा दूँ, इसीलिए मैं हरदोई ज़िले में हूँ आज। वही 27 तारीख को जाऊँगा, पेपर है ना सेरामाऊ में, इसीलिए तब तक अभी दिखा रहा हूँ बैक कैमरे से। देखिए गेहूँ पक चुके हैं यहाँ पे, देखिए गेहूँ पक चुके हैं इधर, देखिए इधर पक चुके हैं और इस खेत में थोड़े कच्चे भी हैं और इधर भी पक चुके हैं। तो हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं भोले बाबा की ओर, देखते रहिए आप लोग। देखिए अभी हम लोग जाएंगे रोड पे, ठीक है तब तक। तो देखिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं रोड पर, रोड आने वाला है। तो हम लोग भोले बाबा, ये मेरे गांव के भोले बाबा हैं इधर, और ये इधर लिस्पिट का बाग है। देखिए यहाँ पे नहा रहे हैं लोग, मेरे गांव में भागवत भी हो रही है, भाई लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। चलो दिखाते हैं, देखिए ये गाँव का है, गांव में ऐसा ही होता है यार, सिटी में रहने वाले लोग तो ऐसे कैसे रह सकते हैं गांव में। देखिए ये भोले बाबा हैं मेरे यहाँ के, हम लोग आ चुके हैं रोड पर। देखिए ये लोग आ रहे हैं साइकिल से, ये रोड है और ये भोले बाबा हैं गांव के। और ये देखिए साइकिल से लोग जा रहे हैं, ये भोले बाबा हैं। देखिए आप लोग, तो देखिए दोस्तों हम लोग जा रहे हैं गांव को, अब गांव में भागवत हो रही है, उधर हम लोग जाएंगे और ये मेरा भाई साथ में है। तो हम लोग गांव की ओर जा रहे हैं, आप लोग देखते रहिए, तब तक मैं आपको थोड़ा भागवत दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं गांव के किनारे पे, देखिए इधर भागवत हो रही है। अभी मम्मी का कॉल आया था कि बैंक चलना है, थोड़े पैसे निकाल के ला रहे हैं, पैसे निकाल के लाना है, इसीलिए तब तक बैक कैमरे से दिखाते हैं। यहाँ पे हो रही है भागवत और वहाँ बैंक में जाएंगे, वहाँ भी ब्लॉग बनाएंगे जाकर, तो तुम्हें वहाँ की भी सीन दिखाएंगे बैंक की। तब तक पीछे का देखिए भागवत हो रही है खेतों, देखिए ये भागवत हो रही है खेतों में, ठीक है। और देखिए मेरे गांव में इतने सारे जानवर हैं, लोग रात दिन खेतों पर रहते हैं तब कहीं गेहूँ बच पा रहे हैं। गेहूँ भी पक चुके हैं इधर, तब तक चलो गांव के अंदर चलते हैं।